इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ वोकैबलरी वर्ड्स, उनके उर्दू और इंग्लिश में मतलब, और साथ में हम उनका जुमलों में इस्तेमाल भी सीखेंगे। शुरू करते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी के दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। नंबर वन, बिडन। बिडन, बिडन का मतलब होता है ऑर्डर्ड। ordered, bidden, ordered, यानी हुक्म देना या हुक्म दिया गया हो जैसा। जुमला देखते हैं। I did as I was bidden. I did as I was bidden. I did यानी मैंने किया, as I was bidden जैसे मुझे हुक्म दिया गया था या जैसे मुझे कहा गया था। I did as I was bidden. Number two, bitter, bitter. बिटर का मतलब होता है सोर, हार्ड टू बेयर, सोर या हार्ड टू बेयर, सोर या हार्ड टू बेयर। अब सोर कहते हैं कड़वी चीज को, कड़वा होना, हार्ड टू बेयर, बेयर यानी बर्दाश्त करना या कोई भी ऐसी चीज जो मुश्किल से बर्दाश्त की जा रही हो। आमतौर पर ये लफ्ज़ हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने की चीज़ों के लिए, या अक्सर बातों के लिए भी इस्तेमाल होता है कि बिटर टॉक। जुमला देखते हैं। दिस टी इज टू बिटर। दिस टी इज टू बिटर। दिस टी यानी ये चाय इज टू बिटर, इज यानी है, टू बिटर यानी बहुत कड़वी। तो बिटर का मतलब क्या होगा? सोर या हार्ड टू बेयर। सोर का मतलब होता है कड़वा और हार्ड टू बेयर का भी, यानी मुश्किल से जो बर्दाश्त हो रहा हो। नंबर थ्री, ब्लास्ट। ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब इंग्लिश में होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, ब्लास्ट, एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन का मतलब अगर हम उर्दू में देखते हैं तो उर्दू में इसका मतलब होता है धमाका होना। अब जुमला देखते हैं। टॉम वॉज इंजर्ड इन द ब्लास्ट। टॉम वॉज इंजर्ड इन द ब्लास्ट। टॉम वॉज यानी टॉम हुआ था, इंजर्ड यानी जख्मी, इन द ब्लास्ट यानी धमाके में, टॉम धमाके में जख्मी हुआ था। नंबर फोर, ब्लाइट। ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब इंग्लिश में होता है डिजीज या डेंजर। डिजीज या फिर डेंजर। उर्दू में अगर हम इसका मतलब देखें तो ये कोई बीमारी या खतरा, उसके लिए हम ब्लाइट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर बीमारी कोई हो या कोई ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाने वाली हो। जुमला देखते हैं। द ब्लाइट किल्ड ऑल माई प्लांट्स। द ब्लाइट किल्ड ऑल माई प्लांट्स। द ब्लाइट यानी बीमारी ने, किल्ड यानी ख़त्म कर दिया या मार दिया, ऑल माई प्लांट्स यानी मेरे तमाम पौधों को। द ब्लाइट किल्ड ऑल माई प्लांट्स यानी बीमारी ने मेरे तमाम पौधों को ख़त्म कर दिया या मार दिया। नंबर फाइव, ब्रूक। ब्रूक, ब्रूक का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम्स। स्मॉल स्ट्रीम्स यानी नहर, एक तरह से वो जो स्मॉल स्ट्रीम कह सकते हैं कि छोटी नाली जिससे पानी बह रहा हो, उसके लिए हम नहर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल स्ट्रीम यानी नदी या नहर। जुमला देखते हैं। द वाटर इन दिस ब्रूक इज कूल एंड क्लियर। The water in this brook is cool and clear. The water यानी पानी, in this brook यानी इस नदी या इस नहर में, is cool यानी ठंडा है, and clear यानी साफ है। इस नदी में पानी साफ और ठंडा है, इस जुमले का ये मतलब हुआ। आगे चलते हैं। नंबर सिक्स, brought up। brought up, brought up का मतलब होता है to take care of एंड एजुकेट, और आप कॉमर्स में देख सकते हैं अ चाइल्ड। टू टेक केयर ऑफ यानी ख्याल करना, एंड एजुकेट यानी पढ़ाना। आगे अ चाइल्ड यानी बच्चे से मुतलक बात की जा रही है। आमतौर पर हम कहते हैं जिसे परवरिश करना या पालना पोसना, तो टू टेक केयर ऑफ एंड एजुकेट अ चाइल्ड। जुमला देखते हैं। ही वॉज ब्रॉट अप इन ऑस्ट्रेलिया।
ही वॉज ब्रॉट अप इन ऑस्ट्रेलिया. ही वॉज यानी वो, ब्रॉट अप यानी उसने परवरिश पाई थी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में. यानी बढ़ना, जहाँ से आप पढ़ लिख रहे हो, जहाँ पे आप बढ़ रहे हो, फिर उसे ब्रॉट अप के लिए, ब्रॉट अप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए. और ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क का नाम है, ज़ाहिर है कि इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में पला बढ़ा. नंबर 7, बुली. बुली, अब बुली का मतलब देखते हैं, पर्सन हु यूजेस स्ट्रेंथ और पावर टू हर्ट और फ्राइटन अदर्स. पर्सन हु यूज स्ट्रेंथ यानी शख्स, वो शख्स जो ताकत का इस्तेमाल करता है, और पावर यानी अपने जोर जोर या ताकत का इस्तेमाल करता है टू हर्ट और फ्राइटन अदर्स, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए या उनको डराने के लिए. ही यूज्ड टू बुली हिज फ्रेंड्स. आमतौर पर ये बुली का लफ्ज़ हम बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, यानी बच्चों में जो ज़्यादा ताकतवर हो या जो मजबूत हो, वो बाकी बच्चों को डरा रहा हो, तो वो बुली करना होता है. तो जुमला अगर आप देखें, ही यूज़ टू बुली हिज फ्रेंड्स, यानी वो अपने दोस्तों को बुली करता था, यानी उन्हें डराता था अपनी ताकत के ज़ोर पे. नंबर 8, कैरेसेस. कैरेसेस, कैरेसेस का मतलब होता है लव और अफेक्शन या एम्ब्रेस. लव और अफेक्शन या एम्ब्रेस, अब इसका मतलब अगर हम उर्दू में देखते हैं तो इसका मतलब होता है प्यार करना या लाड करना. शी कैरेस्ड हर बेबी लविंगली. शी कैरेस्ड हर बेबी लविंगली. शी कैरेस्ड यानी उसने प्यार किया हर बेबी यानी अपने बच्चे को, लविंगली यानी बहुत मोहब्बत से. अब यहाँ पे कैरेसिंग का जो मतलब होता है या कैरेस्ट का जो मतलब है, इसका मतलब होता है कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या आम तौर पर चूमना या छोटे बच्चों को प्यार करना, उसे हम कैरेस्ट का मतलब लेंगे. मतलब में शी कैरेस्ड हर बेबी लविंगली यानी उसे बहुत मोहब्बत से अपने बच्चे को प्यार किया या उसे चूमा. नंबर 9, कैट नैप. कैट नैप, कैट नैप का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप. अ शॉर्ट स्लीप यानी कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए सोना. जुमला देखेंगे, आफ्टर अ 15 मिनट कैट नैप यू फील मच बेटर. आफ्टर अ 15 मिनट कैट नैप यू फील मच बेटर. आफ्टर यानी बाद में, अ 15 मिनट कैट नैप 15 मिनट के लिए सोने के बाद, यू फील मच बेटर, आप बहुत बेहतर फील कर रहे हो. 15 मिनट का कैट नैप लेना यानी 15 मिनट के लिए सोना. कैट नैप हम आमतौर पर उस सोने को कहते हैं जो बहुत थोड़ी देर के लिए आप सो रहे हो. तो 15 मिनट के सोने के बाद, यू फील मच बेटर. आफ्टर अ 15 मिनट कैट नैप यू फील मच बेटर यानी 15 मिनट में, 15 मिनट सोने के बाद आपने, आप बहुत बेहतर बेहतर फील कर रहे हो. नंबर 10, कार्व्ड. कार्व्ड, कार्व्ड का मतलब इंग्लिश में होता है इम्प्रिंटेड. इम्प्रिंटेड, और अगर हम उर्दू में इसका मतलब देखें तो नक्श होना या छपा हुआ होना. जुमला देखेंगे, द बॉय कार्व्ड हिज नेम on the tree. The boy carved his name on the tree. The boy yani ladka, carved yani usne naksh kiya, his name apna naam, on the tree yani darakht pe. लड़के ने अपना नाम दरख्त पे नक्श किया. अब आमतौर पर दरख्त पे नक्श करने के लिए कोई नोकदार सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप अपना नाम खुरच कर दरख्त को लिख रहे होते हो, तो उसके लिए भी हम कार्व्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. नंबर 11, कास्ट. कास्ट, कास्ट का मतलब होता है सोशल क्लास या रैंक. सोशल क्लास या रैंक, उर्दू में हम कहेंगे ज़ात पात, यानी ज़ात पात के लिए हमने उसे सोशल क्लास या रैंक कहेंगे इंग्लिश में, या आमतौर पे कास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके लिए. दे बिलोंग टू द सेम कास्ट. They belong to the same caste. They belong यानी वो belong करते हैं या वो हैं, to the same caste यानी वो एक ज़ात के हैं या उनकी ज़ात एक है. belong यानी ताल्लुक होना. They belong to the same class यानी उनका एक ज़ात से ताल्लुक है.
नंबर 12 सीज, सीज, सीज का मतलब होता है इंग्लिश में कम और ब्रिंग टू एन एंड, कम और ब्रिंग टू एन एंड, यानी कोई भी चीज खत्म होना या रुक जाना. द बेबी सीज्ड क्राइंग, द बेबी सीज्ड क्राइंग, यानी बच्चे ने रोना बंद कर दिया या वो बच्चा चुप हो गया या वो अभी नहीं रो रहा, ये हम मतलब ले सकते हैं इस जुमले का. तो सीज का मतलब होता है किसी भी चीज का रुकना या खत्म होना. नंबर 13 सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब होता है इंग्लिश में फेस्टिविटी, फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी, यानी कि किसी भी किस्म का जश्न. जुमला देखते हैं, द पेरेंट्स विल बी इनवाइटेड टू द स्कूल सेलिब्रेशन, द पेरेंट्स विल बी इनवाइटेड टू द स्कूल सेलिब्रेशन. द पेरेंट्स यानी बच्चों के पेरेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, कि बहुत सारे वालदैन को विल बी इनवाइटेड यानी बुलाया जाएगा या दावत दी जाएगी टू द स्कूल सेलिब्रेशन, स्कूल के जश्न में. अब सेलिब्रेशन किसी खास मौके पर की जाती है, यानी कि कोई ओकेजन हो या कोई ख़ास मौका हो तो उस पर जो हम जश्न मना रहे होते हैं, जो खुशी मना रहे होते हैं, तो स्कूल सेलिब्रेशन वो भी स्कूल में किसी ओकेजन के ऊपर जो है जो जश्न मनाया जा रहा होता है उसको हम स्कूल सेलिब्रेशन कह सकते हैं. तो वालदैन को दावत दी जाएगी स्कूल के जश्न में. नंबर 14 चार्जर, चार्जर, चार्जर का मतलब होता है वॉर हॉर्स, वॉर हॉर्स, यानी वो घोड़ा जो जंग में होता है उसको हम चार्जर कहते हैं. जुमला देखते हैं, द ब्लैक चार्जर वॉज रेडी फॉर द वॉर, द ब्लैक चार्जर वॉज रेडी फॉर द वॉर. द ब्लैक चार्जर यानी काला घोड़ा, और यहाँ पे कौन से घोड़े की बात की जा रही है, वो घोड़ा जो जंग, जंग का घोड़ा होता है आमतौर पर. द ब्लैक चार्जर वॉज रेडी यानी द ब्लैक चार्जर या काला घोड़ा वॉज रेडी यानी तैयार था फॉर द वॉर यानी जंग के लिए, काला घोड़ा जंग के लिए तैयार है. नंबर 15 चार्मिंग, चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव. अगर उर्दू में हम इसका मतलब देखें, चार्मिंग का उर्दू में मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत पुरकशिश हो. अट्रैक्टिव यानी चार्मिंग, अट्रैक्टिव यानी खूबसूरत होना या पुरकशिश होना. जुमला देखते हैं, शी हैज़ अ लवली एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी, She has a lovely and charming personality. She has यानी उसकी है, lovely and charming यानी पुरकशिश और खूबसूरत, personality यानी शख्सियत, उसकी शख्सियत बहुत खूबसूरत और पुरकशिश है. तो ये थे कुछ अल्फाज जिनके हमने जुमले बनाना सीखे. अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और ख़ुद से जुमले बनाने की कोशिश कीजिए.